रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अभी भी कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो कई छात्रों के वापस पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में काशीपुर की एक छात्रा भी यूक्रेन से वापस सकुशल लौटी है। यूक्रेन में फंसी काशीपुर की छात्रा उंजिला सैफी ने उत्तराखंड लौटने पर अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि बार बार बमों की आवाज वहां पर सुनाई देती थी, जिससे वो काफी दहशत में थे। साथ ही खाने की कमी के साथ साथ सबसे कठिन और चुनौती भरा काम था बॉर्डर पर अपने आप को सुरक्षित पहुंचाना। उंजिला सैफी की घर वापसी पर परिवार ने मिठाई बांट करके खुशी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की भी मांग की। बाद पूरे वापस आई हूँ और समस्याएं तो सारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जैसे कि खाने की बहुत कमी थी वहाँ पर हमें, और रहते टाइम पे हमें बम की आवाज़ बार बार सुनाई देना, लाइक पूरा दिन आवाज़ें आती रहती थी, खाने की कमी। फिर वहाँ से पूरा सफ़र खुद से करके पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा था हमारे लिए। जिस बंकर में मैं थी वहाँ पर हम 100 के अराउंड लोग थे अंदर, और वहाँ की स्थिति तो दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है, और हर वक्त शेलिंग की आवाज़ें, बम की आवाज़ें कंटिन्यू आती हैं, और हम लोग भी जब लाइन में लगे हुए थे खाने की तो हमें भी कंटिन्यू आ रही थी घबराहट। जैसे मेरी बेटी आई है, जिस तरह से मैं परेशान था, ऐसी हो सकता जो बच्चे वहाँ फंसे उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा जितनी जल्दी हो सके सारे बच्चे अपने अपने माँ बापों के पास पहुँच जाएँ और बेहतर तरीके से पहुँच जाएँ।